Yes, hello class. Today we are going to start our chapter 4 that is more features of Microsoft Word. First of all, what is Microsoft Word and what we do in Microsoft Word? You have discussed in class 3 also, and you do practical also of MS Word. Yes, we have, we do. Typing in MS Word, or you can say that we can make documents in MS Word. In the last class, you just typing on the MS Word. You went to the class and you typed your name, class, section also here over there. Now we have some extra features, some new features of Microsoft Word. This we will discuss with practice. प्रैक्टिकल हम इसको प्रैक्टिकल के साथ साथ भी करेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिकल सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर सो लेट वी स्टार्ट ओके फॉर दिस वी हैव टू ओपन वर्ड हेअर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज आई टाइप्ड हेयर डब्ल्यू ओ आर डी एंड वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आई ओपन दिस फाइंड दिस इज यूर वर्ड स्क्रीन and again i am repeating what we do in word we make documents in ms word fine now our first topic is inserting header and footer on the document first of all what are header and footer header is used to give some information at the top of every page and footer is used to give information at the bottom of the every page सपोज यू गो थ्रू यर बुक आप बुक में देखना पे जो आपका चैप्टर नेम है दट इज़ ऑन देडर टॉप एरिया और जो आपका पेज नंबर है वो बॉटम में है दिस इज योअर फुटर एरिया फाइन नाउ हाउ टू एड है एंड फुटर यू हैव टू गो टू इन टैब विच्स टैब इनसर्ट देन वी हैव टू सेलेक्ट है ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट दिस हैडर फाइन वंस वी सेलेक्ट वी वी हैव ओपन वन विंडो एक विंडो ओपन होगी आपके सामने विंडो विल अपीयर नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द विंडो विच टाइप ऑफ हेडर यू वॉन्ट सपोज आई चूज दिस एंड वी हैव एंडर एरिया नाउ गिव द सपोज आई टाइप द टेक्सटर दयाल सिंह पब्लिक स्कूल फाइन नाउ आई चूज दिस

same for footer suppose i choose this it will appear like this page number 1 on next page it will appear as page number 2 page number 3 fine it will automatically edit header and footer once you have to set the header and footer it will move to each and every page fine this is clear okay great now our next topic from the book is

ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इसको हेडर में ऐड करोगे तो वो हर एक पेज पर आएगा सेम आई रिपीट हेडर इज टू यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी पेज सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको हेडर में तो ये मेरा हर एक पेज पर आएगा इंसर्ट और वी कैन से दैट हेयर डेट एंड टाइम आई चूज दिस एंड ओके

अगर हमने अलग से वी डोंट वॉन्ट फुटर बट आई वॉन्ट पेज नंबर टू माई डॉक्यूमेंट हाउ टू एड पेज नंबर सिंपल गो टू इंसर्ट हेडर फुटर एंड वी हैव पेज पेज नंबर नंबर मुझे कहाँ चाहिए बॉटम में तो था ही सपोज आई वॉन्ट पेज नंबर एट टॉप ऑफ द पेज इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर एट द टॉप ऑफ हेडर में आ गया बट मुझे हेडर में तो दयाल सिंह पब्लिक स्कूल चाहिए था फाइन दिस इज हाउ टू एड Page number on the document. Suppose I add page number at the bottom of the page. This middle may bottom may aajay page number. Automatically, first pay first, second is second, third is third. Automatically, it will give the page number to each and every page of the document. Fine. Now, your next topic is after inserting page number, we have our next topic is adding. एंड नोट एंड फुट नोट फुट नोट एंड एंड नोट सेम आर फुटर जैसे हम फुटर एड करते हैं सेम इज़ फुट नोट फुट नोट मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज इफ यू गो थ्रू द बुक बुक में देखो सपोज इफ यू वी आर ऑन पेज नंबर फोर्टी वन आ फोर्टी वन पेज नंबर के साथ देखो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड टू थाउजेंड टेन दिस इज द फुट नोट एक नोट बनाया उन्होंने एट द बॉटम इफ आई शो यून द बुक बुक में आप देखोगे यहाँ पे दिखाए ना देखो मोर फीचर टेन दिस इज फुटर एरिया और यू कैन से पता है फुट कहाँ होता है नीचे या ऊपर नीचे तो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट देर इज सम इन्फॉर्मेशन दिस इज नॉन एट फुट नोट हाउ टू इन सर्ट फुट नोट यू हैव टू क्लिक ऑन द रेफरेंस बटन विच ऑप्शन रेफरेंस टैब इन रेफरेंस टैब

I typed here Microsoft Word as a footnote. Fine. Now clear it is. It will gives the page number as well as your text data. Page number देगा आपको और अपने आप text data add कर देगा जहाँ भी आप footnote देना चाहते हो वहाँ footnote add कर सकते हो Beauty of footnote footnote is you can say that footnote will not uh, appear on each and every page footnote वहीं आएगा जहाँ आप देना चाहते हो क्योंकि हम ऐसा भी तो होता है ना चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर चेंज हो गया मुझे पूरी बुक टाइप करनी थी फर्स्ट चैप्टर चाप, का नेम जो था वो हमने ऐड कर दिया वो हर एक पेज पर अगर आ जाता अगर मैं उसको फुटर में देता तो बट आई वॉन्ट न्यू चैप्टर जब हम ऐड करेंगे तो नया हमारा वो फुट नोट चेंज हो जाएगा दैट्स वाई वी यूज़ फुट नोट फाइन फुटर इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन सेम इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी पेज बट फुटर इज़ यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर पेज जब हमें पर्टिकुलर पेज पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लगानी है देन वी यूज फुट नोट्स क्लियर नाउ वी हैव अ टॉपिक दैट इज हाउ टू डिवाइड आर कॉल पेज इंटू मल्टीपल कॉलम्स कि हमारा एक पेज को मल्टीपल कॉलम्स में कैसे डिवाइड करते हैं नाउ फॉर दिस आई हैव टू चूज आई हैव टू सेलेक्ट पेज ले आफ्टर दैट इन पेज ले वी हैव कॉलम बॉर्डन In columns, you can select divide your page into two columns, three columns, left or right. Suppose I choose this three column. Now, what is the advantage of this? How to divide a page? Aap suppose copy me difference between ho, to aap copy me easily margin line dalte ho, mein scale liya line and your page is divided into different sections. But in Word, how to divide this in page in different sections? We have to divide it with page layout, then column option. फाइन पेज ले आउट एंड कॉलम्स एंड कॉलम्स वी हैवन टू एंड थ्री और यू कैन एड मोर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो सेलेक्ट मोर कॉलम्स एंड टाइप द नंबर ऑफ कॉलम्स आई चूज से नाउ गिव द टेक्स सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्सट देना है मैं एक टेक्स्ट नाम लिख रहा हूँ सिर्फ स्कूल का दयाल सिंह फाइन Now I copy this, Control C copy and I paste this to a different area. Yes, Control V, Control V, Control V. Once we get at the end of the page, it will appear to the new column. अपने आप नए कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा, जैसे आप पेज के एंड पर जाओगे। Fine, this is the beauty of dividing a page in different columns. वाई वी डू दिस सो हमें क्यों जरूरत पड़ती है सपोज आप एक क्लास इंचार्ज हो और आपको क्या करना है एक सर्कुलर बनाया छोटा सा सर्कुलर था और वो आपको सारी क्लास में डिवाइड करना है देन आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर थोड़ा लोगे आप उस सर्कुलर को एक पेज पर एक, एक यहाँ पर एक कॉलम में सर्कुलर बनाया उसको कॉपी पेस्ट किया फिर हमने स्केल से उसको क्लियर अप करके सर कर देंगे वाइन दिस इज हाउ टू डिवाइड आर पेज इन मल्टीपल कॉलम अगेन आई शो यू go to page layout then columns in columns you have there so many options one two and three and suppose if you want more columns then choose more suppose i select two now two columns we select here now your screen is divided into two areas fine okay now we are moving forward how to give पेज कलर टू यॉक्यूमेंट वेरी गुड पेज कलर लास्ट टॉपिक इज पेज कलर एंड पेज बॉर्डर फाइन में हम पेज कलर पेज बॉर्डर करते हैं सेम सपोज फॉर द फॉर्मेटिंग यू वॉन्ट टू डू ऑन द पेज जितनी भी फॉर्मेटिंग हमें पेज पर करनी है यू हैव टू सेलेक्ट पेज ले आउट फाइन विथ टैब पेज ले आउट टैब आई चूज द पेज ले आउट टैब एंड वी हैव हेयर वाटर मार्क पेज कलर पेज वॉटर फर्स्ट वी सेट वाटर मार्क वाटर मार्क इज यूज टू गिव अ लाइट इंप्रेशन ऑन द पेज और मुझे लाइट सा इंप्रेशन देना है पेज पर मैंने क्या किया यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट अभी बाय डिफॉल्ट टाइप है डी ए एस ए पी मैंने लिखा डी एस पी एस अप्लाई किया एंड क्लोज नाउ लुक एट द स्क्रीन अ लाइट इंप्रेशन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन दिख रहा है आपको ना डी एस पी एस लाइट सा

अबाउट यूअर सेल्फ ओके यू हैव टू राइट टेन लाइन्स अबाउट यूअर सेल्फ अपने बारे में आपको टेन लाइन्स लिखनी है आई वॉन्ट द फीचर्स ऑफ ईच एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे हर एक फीचर चाहिए हमारा जो हमने यूज़ किया इन द चैप्टर एज फॉर एग्जाम्पल पेज कलर पेज बॉर्डर वाटरमार्क डिवाइडिंग अ पेज इंटू मल्टीपल कॉलम्स फुटर हैडर ईच एंड एवरी थिंग फाइन I hope you like this session. Thank you.